हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये होंडा की CD110 बाइक आई है, जिसमें यह प्रॉब्लम थी कि जब हम इसका लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का इंडिकेटर चालू करते हैं तब ये एक साथ चारों के चारों इंडिकेटर जलते हैं। फिर हमने इसका फ्लैशर चेंज किया, फिर भी उसमें वही की वही प्रॉब्लम थी। फिर हमने इसका वायरिंग चेक किया, फिर भी उसमें वही प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स। फिर हमने इसकी ये स्विच खोल के इसमें हमने WD-40 स्प्रे लगाया, तब ये जाके अब ये इंडिकेटर सही से काम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब ये एक साइड का इंडिकेटर जल रहा है और ये दूसरी साइड का भी जल रहा है, दोनों एक साइड नहीं जलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक में भी ऐसी प्रॉब्लम आए और आपको फॉल्ट नहीं मिल रहा है तो एक बार आपको ये स्विच ज़रूर चेक कर लेनी है, क्योंकि स्विच में भी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपके चारों के चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लगते हैं। फ्रेंड्स, अब यह स्विच चलने लायक तो है लेकिन अब यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा जंग लग चुका है जिसकी वजह से ही ये सारी पूरी प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसको रिप्लेस करना होगा।